जूस हो, मतलब यू नेम एनी रिलीजन, फास्टिंग का महत्व हर रिलीजन में बहुत ज्यादा है और बहुत महत्व वो अपने बुक्स में भी दिया है उन्होंने। और यकीन करके चलें, ये जो धर्म ग्रंथ हैं किसी भी मजहब के हों, एक दिन में लिखे नहीं गए हैं, एक आदमी ने लिए, एक आदमी ने नहीं लिखा है, कई हजार लोग, कई हजार साल, तब जाके एक धर्म ग्रंथ बनता है। तो उसमें डिबेट हुआ होगा, जैसे मैं कुछ बोलूँगा, अगर मैं कुछ गलत बोलूँगा डॉक्टर अमर आज़ाद काट देंगे, आप काट देंगे, चार लोग और काट देंगे, तो वो चीज़ ग्रंथ में नहीं जाएगी। दैट्स कॉल्ड पीयर रिव्यू। सो इट्स अ पीयर रिव्यूड थिंग, जो हमारे धर्म ग्रंथ है दैट इज पीयर रिव्यूड। उसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी जो जनमानस के अगेंस्ट में जाएगी। अगर वो इतना गहरी सोच से बोल रहे हैं कि फास्टिंग करना चाहिए, चाहे आप देवी या देवता को प्रसन्न करें या ना करें, आप जो अंदर में भगवान बैठे हुए हैं उनको प्रसन्न करते हैं जब आप फास्ट करते हैं। तो और वैसे भी मैं ये बोलना चाहूँगा, चूँकि फास्टिंग की बात हो रही है आजकल, नवरात्रि चल रहे हैं। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम हिम्स रखा गया है, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती है सारी पैथी। इसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादर फली और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को यूज किया जा रहा है। लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द हो, ऑटो इम्यून डिजीज हो, स्टेज फोर कैंसर हो, कोई भी ऐसी बीमारी जो डॉक्टर ने आपको लाइलाज बताई हो या आपको कोई ऑपरेशन बताया हो, तो आप हिस हॉस्पिटल हिम्स में संपर्क कर सकते हैं और बीमारी की जड़ पर काम कर सकते हैं। रहना, खाना, पीना सब अरेंजमेंट है। 70 बेड का यह हॉस्पिटल भारत में अपनी तरह का एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है, जहां पर पेशेंट को ठीक किया जाता है, पेशेंट को नॉलेज दी जाती है, पेशेंट को पढ़ाया जाता है, पेशेंट को एजुकेट किया जाता है कि कैसे आपको अपनी बीमारी से खुद ही लड़ना है, यानी कि अपना डॉक्टर खुद बनना है, बी योर ऑन डॉक्टर। तो आज जरूरत है ऐसे हिम्स के हॉस्पिटल और क्लिनिक्स की। अभी भारत में पटियाला में, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबस्सी और दिल्ली में 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खाना पीना और लाइफस्टाइल को ठीक करके बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है। और एक हॉस्पिटल डेराबस्सी जो चंडीगढ़ में है वो शुरू हो चुका है, ये सब हिम्स के नाम से काम कर रहे हैं। तो अगर आप भी किसी गंभीर बीमारी से परेशान है तो जल्द संपर्क करें हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में। तो अगर फास्ट ये करना है तो आजकल तो आप माहौल भी है फास्टिंग का, इस दौरान आज दूसरा दिन है। यस, और ये सभी लोग अगर इन बातों को समझ जाएं तो बहुत हद तक हम कैंसर पे काबू पा सकते हैं। इतना खाना ठीक नहीं है, ऐसा लगता है क्या पेट में महिषासुर घुस गया है। अगर घुस गया है तो महिषासुर मर्दिनी का समय चल रहा है, उसको ले आइए। क्योंकि इतना खाना, हम जितना खा रहे हैं, हम इतिहास में कभी इतना खाते नहीं थे। हमें सुबह उठते ही हमारी आंख खुलती है चाय, रस्क। आज ब्रेकफास्ट के लिए क्या बना है, आज लंच के लिए वहां जाना था, डिनर के लिए उन लोगों ने बुलाया। हमारी जिंदगी इसी में बीतती है, इसके बीच में हम कुछ काम भी कर लेते हैं, लेकिन ये तीन चीजें फिक्स्ड है। जब तक हमारा ध्यान इससे हटके कहीं और हम ध्यान नहीं लगाएंगे, तब तक बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए कमिंग बैक टू फास्टिंग, फास्टिंग पे मुझे लगता है अलग से वीडियो करनी चाहिए हमको। फास्टिंग इतना जो डॉक्टर अवधेश जैसे कंसेप्चुलाइज करते हैं, एक अपने आप में ही विषय है, इसके मुझे लगता है हमको अलग वीडियो करनी चाहिए। अभी फास्टिंग को कैंसर से जोड़ के बात बढ़ानी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब,
ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅਵਦੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਸਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਪਰਸਨਲੀ ਖਾਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਨਾ ਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਫਾਸਟ ਡਾਕਟਰ ਅਵਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚਲ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ। ਸੋ ਫਾਸਟਿੰਗ ਗ੍ਰੈਜੁਅਲੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਅਟਿਊਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰ ਅਵਦੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅਵਦੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਰਕੋਲਾ ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲਰ ਹੈ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਏ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ ਕਮ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਇੰਟਰਮੀਡੈਂਟ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਵਨ ਡੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਓਨਲੀ ਵਾਟਰ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਫਰੂਟ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਜੂਸਿਸ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਿਤਾਬ ਕਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਮ ਡਾਕਟਰ ਅਵਦੇਸ਼ ਕੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪਰ ਸੈਪਰੇਟ ਵੀਡੀਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਅਭੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੈਂਸਰ ਪੇ ਬਾਤ ਆਗੇ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਭਾਈ ਕੈਂਸਰ ਕੋ ਅਭੀ ਜੋ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ, ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਔਰ ਸਰਜਰੀ ਵਾਲੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਇਸ ਹਟ ਕੇ ਜੋ ਅਪਰੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਕਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਜੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਾਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਾਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹਿ ਗਏ? ਸ਼ੂਗਰ ਕੀ ਦਵਾ ਜੋ ਲੋਕ ਖਾਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂ ਖਾਤੇ ਹੈ? ਡਾਊਨ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ तो फास्टिंग से जब डाउन आ रहा है तो क्या ये मन में नहीं उठना चाहिए कि शुगर की दवा ना लेके फास्ट कर लें तो शुगर डाउन आ जाएगा? ये आप ही ने बोला, मैं आप ही की बात से ये बात निकाला हूँ। हाँ, कंट्रोल्ड होना चाहिए, किसी को जो ट्रेंड आदमी है उसको मॉनिटर करना चाहिए क्या है। और वैसे भी ये बहुतायत का समाज हमारा जो है ना, हर चीज़ हमें बहुत चाहिए, थोड़े में हम काम नहीं चला सकते हैं। तो ये जो लालच है, मैं जानबूझ के ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आत्मचिंतन जब होती है ना, हम ये दुनिया से तो झूठ बोल सकते हैं, खुद से नहीं बोल सकते हैं। ये जो लालच है, हमें कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगानी पड़ेगी। जब तक हम लगाम नहीं लगाएंगे तब तक हम बीमार भी होते जाएंगे और सारा कुछ होता जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड कैंसर। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर अगर रेस हो तो इससे बड़ी कोई बीमारी नहीं हो सकती है, क्योंकि यही हाईवेज हैं जिसके ऊपर बाकी डिजीजेस चल के इफेक्ट होते हैं। ये हाईवे तोड़ना पड़ेगा, इसलिए जो डॉक्टर अमर आज़ाद या जो भी लोग डायबिटीज़ पे काम कर रहे हैं, डायबिटीज़ को ख़त्म कर रहे हैं, अगर डायबिटीज़ ख़त्म हो गया तो कैंसर ख़त्म हो जाएगा। आप देखें इसका कैसे साइंटिफिकली हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। डायबिटीज़ का मतलब ब्लड शुगर डिजीज़ नहीं है, बाय द वे वी कैन हैव अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस, देयर इज़ नॉट अ ब्लड शुगर डिजीज़। जब आप सिंपल शुगर्स खाएंगे तो ये बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि ब्लड में शुगर बढ़ेगा और बढ़ना ही चाहिए। इस शुगर को सेल तक नहीं लिया जा रहा है, सेल तक लेके हम जा नहीं पा रहे हैं और सेल के अंदर डाल नहीं पा रहे हैं, तो इट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस रादर देन अ ब्लड शुगर प्रॉब्लम। भाव यह है कि डायबिटीज जो है वो नहीं, जो हम लोग ऐसी शुगर जो बॉडी को एक्सेप्ट नहीं है
वो अगर उसमें डाल रहे हैं तो वो डायबिटीज का कारण बन रही है। अगर बॉडी को जो एक्सेप्ट है वो जैसे फ्रूट का शुगर है, फ्रूट का शुगर है तो वो उससे तो बॉडी का जो शुगर है वो लेवल वो बढ़ता नहीं है, लेकिन अगर हम लोग चीनी खा लेते हैं तो उससे शुगर लेवल बढ़ जाता है। मैं फिर से बोलूँगा, सिंपल शुगर्स में फ्रूट शुगर्स भी आते हैं, ये सिंपल शुगर्स हैं, प्रॉब्लम शुगर का है ही नहीं। जब भी हम कुछ ऐसा खाएंगे तो ब्लड में शुगर बढ़ेगा, पैंक्रियास से इंसुलिन निकलेगा, ये इंसुलिन जो है इस शुगर को ब्लड से निकाल के सेल में डाल नहीं पा रहा है जो उसका काम है, और नहीं डाल पा रहा है तो इंसुलिन का सिर्फ यही काम नहीं है, उसके और भी काम है। इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर है, बॉडी को ग्रो कराता है, चेहरा बड़ा हो जाता है, जैसे छोटे छोटे मासूम से चेहरे होते हैं, चेहरा बड़ा हो जाता है। क्यों क्यों बड़ा होता है? इंसुलिन के चलते हैं। अगर ट्यूमर है तो ट्यूमर को बख्श दिया जाएगा क्या? ट्यूमर भी ग्रो करेगा, इसीलिए फास्टिंग किल्स कैंसर। अब बात समझिए, जब आप फास्ट करेंगे तो इंसुलिन भी नहीं रहेगा तो ट्यूमर को भी ग्रो नहीं कराएगा। तो ट्यूमर को नहीं ग्रो कराने के लिए, अच्छा ये बातें मुझे कैसे मालूम है? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम जो FDG पेट स्कैन करते हैं, हम क्या करते हैं पेट स्कैन में, पेशेंट को एक इंजेक्शन देते हैं। क्या इंजेक्शन होता है वो? FDG, फ्लूरोडीऑक्सी ग्लूकोज। और हम डायग्नोज कैसे करते हैं? जहाँ जहाँ पे कैंसर है बॉडी में, फट से वो ग्लूकोज को ले लेता है और लाइट अप हो जाता है और हमें दिख जाता है स्कैन में। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि कैंसर लव्स ग्लूकोज, है ना? तो आपको भी चीनी अच्छा लगता है, कैंसर को भी चीनी अच्छा लगता है, मारना किसको है? तो फिर चीनी बंद करना पड़ेगा। ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत सिंपल है। इससे ज्यादा सिंपली कैसे कोई समझाएगा? तो अगर चीनी आपका बंद कर दिया जाएगा तो बहुत हद तक आपको हेल्प होगा कैंसर। और चीनी लाइक सब्सटेंसेस, जैसे सिंपल कुक्ड फूड इज सिंपल शुगर, तो अगर चीनी नहीं ले रहे हैं और कुक्ड फूड ज्यादा ले रहे हैं तो वो भी शुगर का ही काम करता है बॉडी के अंदर। कच्चा खाते हैं उससे नहीं होता। दिस इज वेयर द ट्रीटमेंट स्टार्ट्स। जब आप कॉम्प्लेक्स शुगर्स लेंगे, बॉडी को टाइम लगता है उसको मेटाबोलाइज करने में, सडनली ब्लड में शुगर राइज नहीं करता है। तो ये कॉम्प्लेक्स शुगर्स को बॉडी टाइम लगाती है मेटाबोलाइज करके, ब्लड में शुगर के लेवल को रेज करें, तो इंसुलिन भी कम कम निकलता है और ट्यूमर को भी ग्रो नहीं कराता है, डायबिटीज भी नहीं बढ़ाता है और स्ट्रेस भी नहीं बढ़ाता है। क्योंकि ये स्ट्रेस फैक्टर्स जो हैं, चाहे वो एक्सटर्नल स्ट्रेस हो या इंटरनल स्ट्रेस हो, दोनों से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, एक्सटर्नल स्ट्रेस से भी और इंटरनल स्ट्रेस से भी। तो स्ट्रेस को भी काटना है। तो जैसे ही आप ज्यादा, आप कभी देख आइए, कभी देखें कि अगर इंसुलिन एक बार पैंक्रिया से निकल गया, इंसुलिन को मेटाबोलाइज करके नीचे लाना पड़ेगा। इसके लिए कोई दवा नहीं है हमारे पास, बाय द वे। बॉडी अपने आप मेटाबोलाइज करती है और बॉडी 7 से 7.5 घंटे लगाती है इंसुलिन को मेटाबोलाइज करने में। इसीलिए 8 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग ब्लड शुगर को कम कर देती है। ये आप अगर आएंगे इस हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रल मेडिकल साइंसेज, चंडीगढ़ डेरा बसी में हॉस्पिटल है ऑन द मेन हाईवे, अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कैंसर पेशेंट मिलेंगे, एंड स्टेज कैंसर पेशेंट मिलेंगे। एंड सिर्फ फर्क ये देखेंगे, व्हेन यू कंपेयर दीज पेशेंट्स विद द पेशेंट इन अदर हॉस्पिटल ऑफ सिमिलर काइंड, फर्क ये देखेंगे कि ये कंफर्टेबल है। दूसरा फर्क ये देखेंगे कि ये आपको लगेगा नहीं कि ये पेशेंट हैं, वो दर्द रहित हैं। कि शुगर BP सिर्फ 7 दिन में बिना 1 रुपए की दवाई के 90% लोगों का यहाँ हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में भर्ती होकर खाने पीने को ठीक करके रिवर्स किया जा सकता है। सैकड़ों पेशेंट हो चुके हैं। अगर जुबान पे लगाम है तो 3 लोगों से वास्ता नहीं पड़ेगा आपका। खाने के लिए है तो डॉक्टर से वास्ता नहीं पड़ेगा, बोलने के लिए है तो पुलिस और वकील से वास्ता नहीं पड़ेगा, और प्रोफेशनली इन 3 से वास्ता ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, दुनिया की कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो
खाने पीने से हो नहीं जाती है और फिर रेगुलेट नहीं हो सकती है, तो ये दोनों बातें वैसे ही चलती हैं। पांच पिलर्स हैं हमारे, पांच पिलर्स, डाइट, मेडिसिनल प्लांट्स, फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क, माइंड मैनेजमेंट और टेकिंग द हेल्प ऑफ वेरियस पैथीज, ऑल द पैथीज। तो ये हम पांच पिलर्स पे काम करते हैं। जब हम इन पांच पिलर्स पे काम करते हैं तो बॉडी अंदर से जब हील होने लगती है तो थायराइड की समस्या जो अपने आप ही ठीक होने लगती है। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है जिसका नाम हिम्स रखा गया है, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती है सारी पैथी। इसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादर फली और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को यूज किया जा रहा है। लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द हो, ऑटो इम्यून डिजीज हो, स्टेज फोर कैंसर हो, कोई भी ऐसी बीमारी जो डॉक्टर ने आपको लाइलाज बताई हो या आपको कोई ऑपरेशन बताया हो, तो आप हिस हॉस्पिटल हिम्स में संपर्क कर सकते हैं और बीमारी की जड़ पर काम कर सकते हैं। रहना, खाना, पीना सब अरेंजमेंट है। अभी भारत में पटियाला में, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेरा बस्सी और दिल्ली में 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं जहां पर सिर्फ खाना पीना और लाइफस्टाइल को ठीक करके बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है। और एक हॉस्पिटल डेरा बस्सी जो चंडीगढ़ में है वो शुरू हो चुका है। ये सब हिम्स के नाम से काम कर रहे हैं। तो अगर आप भी किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो जल्द संपर्क करें हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में। और जैसे ही ब्लड शुगर कम आता है, इंसुलिन कम है, तो ट्यूमर भी ये नीचे आएगा। जो लास्ट एस्पेक्ट जो मैं कैंसर प्रूफ कैसे बने, डॉक्टर साहब, डॉक्टर अवधेश पांडे ने एक बड़ा ही नायाब तरीका दसया कि फास्टिंग किल्स कैंसर। तो उदा तरीका भी दसया कि फास्टिंग जिहड़ी है वह किस तरह कैंसर नूं जिहड़ी है वह मारदी है, क्योंकि शुगर नूं अगर कंट्रोल कर लांगे तो वह जिहड़ी है ट्यूमर या कोई भी जिहड़ा कैंसर है वह मारा जा सकता। हुण ये दसो कि तुसीं भी सब तो ज़्यादा कोशिश कर रहे हो कि तुसीं भी इहनूं फास्टिंग के उत्ते जोर दें, तुसी भी कहने हो कि कच्चा खाया जाए, जिन्ना वध तो वध कच्चा खा सकते आपां उन्ना कच्चा खाया जाए। तो कच्चा खाण दे नाल तुसी बहुत सारे पेशेंट तुहाडे कोल कैंसर के भी आए होंगे, तो किन्ना क तुसी जिस तरह डॉक्टर अवधेश पांडे ने दस्सा किन्ना क तुसी सोचदे हो वी इहदे नाल फर्क पिया होणा? असीं जिहड़ा पहले भी फास्टिंग का एक तरीका तो पहले दस रहे हैं ना, असीं जिहड़ी डे वन तो ही असीं कहने कि रात का डिनर अर्ली करो, बहुत जल्दी कर लो, तो सवेर वाला जो फ्रूट ब्रेकफास्ट है वह लेट तो लेट करो। इतना की होएगा, मान लो ब्रेक रात का डिनर जो 8 बजे कर लिया, सवेरे ब्रेकफास्ट 10 बजे किया, 14 घंटे की फास्टिंग हो गई ना, वो 14 घंटे की फास्टिंग नैचुरल फास्टिंग है। डॉक्टर अवधेश पांडे तक जी गल कर रहे हो डे टाइम फास्टिंग की गल कर रहे ना, जी नाइट वाली फास्टिंग है ये बहुत ही नैचुरली अडोप्ट कर सकते हो, हर बंदा अडोप्ट कर सकता, उन्होंने असं डे वन तो ही कह रहे हैं। सो फास्टिंग जो हूँ भी अं डाइट प्रिस्क्राइब कर रहे हैं जो है प्रोटोकॉल वो अंदर फास्टिंग, ये फास्टिंग तो ऑलरेडी हैगी है। जी तुम फास्टिंग दस रहे हो, तुम 14 घंटे की जी फास्टिंग दस रहे हो, इधर कैंसर पेशेंट्स को कुछ फर्क पै रहा? क्योंकि इन्होंने गल की है थ्योरी, यानी अपने तक हले तक इन्हों ने अपना तरीका, इन्होंने भी बहुत सारे पेशेंट का इलाज किया है, लेकिन तुम इस ऑलरेडी जो भी काम कर रहे हो, तो किस तरह के रिजल्ट? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਸਲੋਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਰੋਥ ਕੈਂਸਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਦਰ 2-3 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿਓਰ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੜੇ ਮਿਕਸਿੰਗ ਟਾਈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਕੀਮੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਡਾਇਟ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। तो इस करके फॉलोअप सिस्टमैटिक जो नहीं असी कर सके, क्योंकि साढ़े को टीम की भी शॉर्टेज है थोड़ी जी, तो वो लंबा फॉलोअप तो नहीं कर सके कि कितना एग्जैक्टली उन्होंने क्वांटिफाई कर सकी है कि कितना फर्क पै रहा, लेकिन जो रिपोर्ट ओवरऑल रिपोर्ट आ रही है कैंसर पेशेंट की, दे फील वेरी गुड। इस डाइट पर आके उन्होंने फीलिंग जी है, हैल्थफुलनैस बढ़ जाती है, उन्होंने
ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਲੋਡ ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫਾਸਟਿੰਗ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਉਹ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹਊਆ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਪੱਧਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਧਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਪੈ, ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਐਕਚੁਲੀ ਇਸ ਲਈ ਹਮ ਇਤਨਾ ਡਿਟੇਲ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਕੀ ਸਮਝ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਝ ਸਭਕੋ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨੀ ਪੜੇਗੀ, ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਤੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਵੋਲਵ ਕਰਤੀ ਰਹਤੀ ਹੈ, ਉਸੀ ਕੋ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿਤੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਫਿਕਸਡ ਹੋ ਗਈ ਤੋ ਰਿਲੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੋ ਰਿਲੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਵੋਲਵ ਕਰਤੀ ਰਹੀ ਤੋ ਸਾਇੰਸ, ਤੋ ਇਵੋਲਵ ਕਰਤੇ ਕਰਤੇ ਹਮ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਪੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਪੱਧਤੀਓ ਸੇ ਹਮ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਟਿਊਮਰ ਕੋ ਕਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਯੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਕੋ ਹਮ ਨਏ ਨਏ ਨਾਮੋ ਸੇ ਉਨਕੋ ਵੋ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਟਿਊਮਰ ਹਮਨੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਕਾਲ ਦਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯੇ ਹੱਡੀਓ ਮੇ ਫੈਲ ਗਿਆ ਤੋ ਯੇ ਵਹੀ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਹਮ ਇਸਕੋ ਮੈਟਾਸਟੇਸਿਸ ਕਹਿ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਮ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੇਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋ ਵੋ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੋ ਇਨਸਲਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰਸ ਕੋ और ये देखना कि किस चीज के चलते कैंसर हुआ है, उन इंसल्टिंग फैक्टर्स को हटाना सबसे पहले, दूसरा जो कैंसर हो चुका है जिन जिन जहां जहां फैल चुका है उसको कैसे कम करना, तीसरा ऐसी स्थिति लानी कि जो अपना जेनेटिक म्यूटेशन है रिपेयर कैसे हो, और जेनेटिक म्यूटेशन रिपेयर होने के बाद ये जब सेल्स नॉर्मल हो जाए तो ये ठीक से अपना आप प्रोलिफरेट करें, ये सारी स्थितियां मौजूद हैं। प्रॉब्लम ये है कि कुछ बातें जो धीरे धीरे मॉडर्न मेडिसिन की समझ में भी आ रहा है कि इम्यूनोथेरेपी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना ज़रूरी है, 2016 का नोबेल प्राइज भी है, फास्टिंग किल्स कैंसर, ये सारा कुछ इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये मेन स्ट्रीम में आया नहीं है। मेन स्ट्रीम साइंस मेन स्ट्रीम मेडिसिन अभी भी सर्जरी रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी ज़्यादा स्ट्रेस देती है, अगर इनसे बात नहीं बनती है और पेशेंट को और कुछ चाहिए और वो अफोर्ड कर सकता है तो इम्यूनोथेरेपी भी ऐड कर दिया, बिकॉज इम्यूनोथेरेपी महंगा है। इसमें मेरा ये कहना है कि इम्यूनोथेरेपी महंगा इसलिए है कि हम बाहर से इम्यून सिस्टम को क्यों बूस्ट कर रहे हैं, सबसे चीपेस्ट जिसमें कहीं कोई इंडस्ट्री नहीं है, कहीं कोई प्रमोट, फास्टिंग को कौन प्रमोट करेगा, किसको पैसे मिलेंगे उसमें, कमर्शियली हम उसको कैसे वो करेंगे, तो उसको किसी आश्रम में चले जाना चाहिए वहां जाके फास्ट। ये है प्रॉब्लम, ये है कि फैक्ट्स जो है ना, साइंटिफिक फैक्ट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ कॉमर्स आने चाहिए, इररेस्पेक्टिव, और ज्यादातर साइंस जो हम जानते हैं इट इज ऑलवेज बैक्ड बाय कॉमर्स, सो इट्स अ कमर्शियल साइंस दैट वी नो, जो एक्चुअल साइंस है कई बार दब जाता है क्योंकि उसको उठाने वाला, यूनिवर्सिटीज को भी ग्रांट्स चाहिए तो कहाँ से ग्रांट मिलेंगे। अब जैसे एक छोटी सी बात मैं इसी बात पे बोलूँगा, जितने दुनिया में न्यूट्रिशन के कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको फंड कौन करता है, इनका टेक्स्ट बुक कौन लिखता है, इनको पढ़ाता कौन है, फूड इंडस्ट्री,
बेसिक समझने वाली बात है, फूड फूड इंडस्ट्री कब चाहेगी कि आप पोल्ट्री ना खाएं, कब चाहेगी कि आप फिश ना खाएं, कब चाहेगी कि आप पनीर ना खाएं, संडे हो जाए मंडे रोज खाओ अंडे, वो इसीलिए न्यूट्रिशनिस्ट मिस कर गए हैं, दे हैव मिस द होल पॉइंट बिकॉज उनके टेक्स्ट बुक, उनका भी दोष नहीं है, उनके टेक्स्ट बुक में ये देखना पड़ेगा कि अंदर खाते कौन चला रहा है इसको, क्या दे रहा है। यस, तो इसीलिए न्यूट्रिशनिस्ट अगर अगर बोलते हैं कि आप पनीर भी खा लीजिए, ये भी खा लीजिए, ये भी खा लीजिए, और ये बोलना कि नहीं उनको नहीं पता, वो अब वो डॉक्टर साहब को पता नहीं है, मतलब मुझे ही पता है, ऐसा नहीं है। सो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना ज़रूरी है कि एक्चुअली क्या करना है, इसीलिए हम फास्टिंग पे इतना जोर दे रहे हैं, बिकॉज इट इज साइंटिफिक एंड वी नो इट। जो आपका दूसरा प्रश्न था कि एक बार फिर से रिपीट करेंगे अपना प्रश्न। मैंने ये बोला था कि जेड़े लोग कीमोथेरेपी भी करवा रहे हैं, नाल होर इलाज भी करवा रहे हैं, तो नाल आपां अपने तरीके दे नाल भी अपना इलाज करन दी कोशिश कर रहे हैं, वो कीमोथेरेपी अंदर जिहड़ा अंदर जहर पाए जा रहे हैं, ऑपरेशन उहदा अंग कट्टिया जा रहा है, रेडियोथेरेपी जिहड़ी अंग साड़ रहा अंदरों, तो सारे दे सारा सिस्टम जिहड़ा वो अंदर खत्म कीते करन दी जिहड़ी कोशिश की जा रही है, लेकिन अपनी जिहड़ी है वो रिवाइव करन दी कोशिश की जा रही है, तो फिर दोनों पद्धतियां जिहड़ियां ने वो कट्ठियां जिहड़ियां जेकर वो इलाज करवाउणा चाहुंदा हैगा तां वो किस तरह होएगा, क्योंकि वो तो मर रही है चीज़। डॉक्टर साहब बोलने तो पहला मैं ऐड कर दा कंटेक्स्ट डॉक्टर साहब बोलेंगे, फिर हूँ तक एक भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि कीमो रेडियो और सर्जरी के नाल कैंसर पेशेंट की लाइफ प्रोलोंग होंगी है, एक भी स्टडी यह जी नहीं है जिड़ी कि कंपेयर करती हो ना खाइए ना लीए तो कि लाइफ वधेगी, क्योंकि कंपेरिजन चाहिए ना। कंट्रोल स्टडी का मतलब तो यह होंगे कि एक पास तुम कुछ पेशेंट्स होन जिन्हें तुम कीमो रेडियो सर्जरी नहीं की, दूजे पास हूँ जिन्हें की है, तो फिर जी की वाली लाइफ लंबी हो, एक भी स्टडी नहीं है, उल्टा है, उल्टा स्टडीज़ ये आ गई कि जो कीमो रेडियो से सर्जरी करवाते हैं उनकी लाइफ घट जाती है एज कंपेयर टू दो जो नहीं करवाते, उन्होंने वाल उड़ जाते हैं, उन्होंने होर बड़े बड़े साइड इफेक्ट, वक्री गल है, साइड इफेक्ट भी छोड़ो, तुम साइड इफेक्ट तो है ने, साइड इफेक्ट तो अलावा भी जेडे लोग ट्रीटमेंट नहीं करवाते, बहुत सारे लोग ने जो अड़ जाते मैं ट्रीटमेंट होनी, उन्होंने लॉन्गविटी ऑफ लाइफ ज़्यादा है, तुम नेचुरोपैथी भी बाद की गल है, कुछ ना उन्हें कीमो रेडियो सर्जरी नहीं करवाई, एक ने करवाई तो वो लाइफ ज़्यादा लंबी है, इन्नी कि कुछ स्टडीज़ है लिमिटेड स्टडीज़ ने भी, लेकिन एक भी स्टडी ऐसी नहीं है जी कहे कि कीमो रेडियो सर्जरी पेशेंट की लाइफ प्रोलॉन्ग होती है। डॉक्टर साहब बाकी डॉक्टर साहब कीमो रेडियो से जिस तरह डॉक्टर अमर सिंह आजाद ने कहा भी लाइफ जी घटती है बनस्पत जी वधन दे, पर ये बावजूद भी 28-28 30-30 जिहड़ियां कीमोथेरेपियां दस दित्तियां जांदियां ने, हर बार कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के नाल जदों बंदा ट्रीटमेंट करवाउंदा हैगा वो एक एक्सट्रीम पेन दे विचों गुजर के जाता है, उहदा शरीर जिहड़ा बिल्कुल खत्म होने के कंडे आ जाता है, वो मतलब वो एक डैड टाइप हो जाता है, एक जिंदा लाश बन के रह जाता है, ये बावजूद भी इस पद्धतियां नूं इलाज नहीं हो पाता, तो ये बावजूद भी इस चीज़ों नूं प्रमोट किया जा रहा बनस्पत के जिहड़ियां तुसीं दस रहे हो ना खाओ तो जिहड़ा बॉडी जिहड़ी है वो ज़्यादा वधिया तरीके नाल रिस्पोंस करदी है, क्यों इस तरह का हो रहा है सारा? अगर इसके बेसिक से ये जाएं जो लोगों को आइडिया पे होगा, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सकेगा सौ जग बेरी हो, जितने दिन की आपकी लिखी हुई है यकीन करके चलें, कोई एक सेकंड के लिए बढ़ा नहीं सकता है, जितना भी साइंस है जितना भी ये जो हमें मालूम है, कम जरूर कर सकता है जो डॉक्टर साहब ने बताया, समय से पहले मार जरूर सकता है, बढ़ा नहीं सकता है ना कोई भी कैंसर, अगर सब कुछ किया तो कितने दिन जिया, कुछ नहीं किया तो कितने दिन जिया, यही बोल रहे थे, इज वेरी राइट। सब कुछ करने के बाद भी और कुछ नहीं करने के बाद भी सर्वाइवल हम बहुत बढ़ा नहीं पा रहे, इसीलिए द क्वेस्ट इज ऑन फॉर समथिंग एल्स बिकॉज वी आर नॉट एबल टू हेल्प। दूसरा इसमें एस्पेक्ट प्रॉब्लम मेडिको लीगल का आता है, अगर मान लीजिए हमने बोल दिया पेशेंट को कि आप कीमोथेरेपी ना लो रेडियोथेरेपी ना लो, कल को कुछ उसको प्रॉब्लम हो जाता है,
एंड इफ ही कंप्लेन्स तो ब्लेम अपने ऊपर आता, कोई ब्लेम लेना नहीं चाहता है, इसलिए अच्छी बात भी लोग दबे स्वर में बोलते हैं कि भाई अब मैं क्या करूं, मेरे लिमिटेशंस हैं, मेरे को और भी बहुत काम है, मैं सिर्फ इसी में नहीं फंस के रह सकता हूं कि नहीं आप। तो कई लोग जो आसपास के लोग हैं ब्लेम करेंगे, हाँ मैंने तो आपको बताया था कि आप वहाँ पे चले जाओ, ये यहाँ पे चले जाओ, ये कीमोथेरेपी ले लो। तो बोलने वाले समझाने वाले भी बहुत हैं, इन सभी के बीच में आप कभी पेशेंट की शक्ल देखिएगा, वो एक टेनिस के मैच, टेनिस मैच जैसे देखते हैं, कभी इसको देखता है, कभी इसको देखता है, कभी इसको, उसको उसका अपना कोई से रह नहीं जाता है, उसको सबकी बातें सुननी पड़ती हैं, और वो है कि वो सोचता है, अपने फाइनेंसिस भी देखने पड़ते हैं अपना, तो उसकी स्थिति बहुत बहुत बेचारों वाली हो जाती है। कि जेड़ा मान लो भी अपनी गलबात जेड़े सुन रहे ने, ते वो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी या ऑपरेशन जेड़ा वो प्रोसेस दे विचों लंघ रहे ने, अद्ध जे विच पहुँच चुके ने, हाफ हाफ ट्रीटमेंट दे विच पहुँच चुके ने, अपनी गलबात सुनने तो बाद उन्होंने दिमाग वो गल बैठ जाती है भी ये डॉक्टर अवधेश पांडे और डॉक्टर अमर सिंह आजाद जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, जो नुकसान उन्होंने हो चुका या जो उस फिर अजिहे समय दे विच की उन्होंने रिवाइव होना, उन्होंने बॉडी नू रिकवर होना जिहड़ा पॉसीबल है। बॉडी में जब तक सांस है तब तक ऐसी कोई स्थिति नहीं होती है कि बॉडी टोटली रिवर्स ना कर दे, डिपेंड करता है कि आपको विश्वास कितना है और आप उस प्रोसेस में जाने के लिए तैयार हो कि नहीं हो। कोई ऐसी स्थिति मैंने आज तक अपने प्रैक्टिस में नहीं देखी है, कोई भी चीज रिवर्स हो सकती है। अच्छा, तुहाडा कोई तजर्बा है इस तरह का कि जिहड़े तुहाडे कोल पेशेंट, क्योंकि तुसीं कैंसर दे उत्ते काफ़ी काम किया है, तुहाडा कोई तजर्बा है इस चीज़ का भी जिहड़े इस तरह के पेशेंट होण ते उह जिहड़ी रिवर्स होया हो? सिर्फ हम तो साइंटिफिक प्रूफ वाले लोग हैं ना, क्योंकि हम तो इमेजेस, हम तो फोटो दिखाते हैं, हम तो फोटो प्रोड्यूस करते हैं कि हाँ भाई पहले से कितना बढ़ गया है कि कम हुआ है, तो हमारे पास तो कई हैं जो हम आपको फोटो दिखा सकते हैं कि इनकी इस डेट में ये स्थिति थी, आज के दिन में इनकी स्थिति पहले से बहुत कम हो गई है। वो लेकिन ये है कि कई बातें पेशेंट्स जब नहीं समझते तो उनको ये बोलना पड़ता है कि आपको ऐसे ही करना है, नहीं तो फिर डॉक्टर्स तो बहुत हैं भाई। तो ये हम बहुत सालों से कर रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू हेल्प पीपल जो इससे ग्रसित हैं, क्योंकि आप फाइनेंशियली भी आप देखें, फाइनेंशियली उनके घर के घर, गांव के गांव बिक जाते हैं, बंदा फिर भी नहीं बचता और उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है। तो उसमें थोड़ा सा विश्वास जगाना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा विश्वास कि जब तक मेरी जिंदगी है कोई मार नहीं सकता है। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम हिम्स रखा गया है, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती है सारी पैथी। इसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादर फली और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को यूज किया जा रहा है। लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द हो, ऑटो इम्यून डिजीज हो, स्टेज 4 कैंसर हो, कोई भी ऐसी बीमारी जो डॉक्टर ने आपको लाइलाज बताई हो या आपको कोई ऑपरेशन बताया हो, तो आप इस हॉस्पिटल हिम्स में संपर्क कर सकते हैं और बीमारी की जड़ पर काम कर सकते हैं। रहना, खाना, पीना सब अरेंजमेंट है। 70 बेड का यह हॉस्पिटल भारत में अपनी तरह का एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है, जहां पर पेशेंट को ठीक किया जाता है, पेशेंट को नॉलेज दी जाती है, पेशेंट को पढ़ाया जाता है, पेशेंट को एजुकेट किया जाता है कि कैसे आपको अपनी बीमारी से खुद ही लड़ना है, यानी कि अपना डॉक्टर खुद बनना है, बी योर ऑन डॉक्टर। तो आज जरूरत है ऐसे हिम्स के हॉस्पिटल और क्लिनिक्स की। अभी भारत में पटियाला में, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेरा बस्सी और दिल्ली में 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खाना पीना और लाइफस्टाइल को ठीक करके बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है।
और एक हॉस्पिटल डेराबस्सी जो चंडीगढ़ में है वो शुरू हो चुका है। ये सब हिम्स के नाम से काम कर रहे हैं। तो अगर आप भी किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं तो जल्द संपर्क करें हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में। अनलेस कोई ऐसी बातें हो जाए, कोई ट्रक कब कोई ये सोचे कि मेरी तो 90 साल जो ट्रैफिक में आप देखते हैं ये सब अपना होरोस्कोप टेस्ट करते हैं, ऐसा लगता है कि मेरी तो 90 साल लिखी है, मैं तो ऐसे ऐसे मोटरसाइकिल चलाऊंगा फिर भी मैं तो बच ही जाऊंगा, तो ये होरोस्कोप टेस्ट करने का टाइम नहीं है, रस्सी लटका के लटकने का टाइम नहीं। तो उसमें बेसिकली वी नीड टू गो इन अ साइंटिफिक पाथवे कि कैसे करना है, क्या करना है। और हमारे पास बहुत से स्टडीज ऐसे हैं जिसमें हमने प्रूव किया है कि हाँ ये देखिए कैंसर कम हुआ है इसका पहले से। जो दर्शकों के दिमाग में भी बात आ रही होगी, जो इलाज लोग होर करवा रहे ने कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी होर चीज़ा और जेड़ा इलाज तुसी दस रहे हो डॉक्टर अमर सिंह आजाद दस रहे हैं, पैसे का कितना डिफरेंस है थोड़ा जा वो भी पब्लिक को पता हो, दिमाग दे सोच रहे भी इन्हों का ट्रीटमेंट ही बड़ा महंगा होना। तो फास्टिंग तो फ्री है वैसे, बाय द वे फास्टिंग तो फ्री है जी, बाकी दे तुसी दा और सैलड्स और ये तो बहुत महंगे नहीं हैं। फ्रूट तो हम मना करते हैं और कुछ ही फ्रूट्स अलाउड है जो माइक्रोबायोम को ठीक करते हैं, और जैसे डॉक्टर आज़ाद बता भी रहे थे जो इसमें मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि आयुर्वेद में वो बोलते हैं ना गोमूत्र और ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि इन सभी का अल्टीमेट एम क्या है, माइक्रोबायोम को बदलना। अगर गट माइक्रोबायोम बदल जाएगा तो यही गट माइक्रोबायोम आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा और यही इम्यून सिस्टम कैंसर को मारेगा। जो उनको जो इम्यून जो कैंसर का सेल है उसको तो अंदर का पता है अभी क्या अंदर आने वाला है, तो उसका इम्यून सिस्टम नहीं बूस्ट होगा कैंसर के सेल का। इम्यून सिस्टम हमेशा सर्विलांस सिस्टम होता है। भारत की आर्मी इतनी मजबूत नहीं होती अगर पाकिस्तान नहीं होता तो, अगर पाकिस्तान ना हो नहीं अगर पाकिस्तान नहीं होता तो आर्मी कैजुअल हो जाती है।